अब हम क्लोरीन के विरंजक गुण के बारे में जानेंगे। क्लोरीन एक बहुत अच्छा विरंजक होता है। ये रंगीन पदार्थ के रंग को उड़ा देते हैं, उसे रंगहीन बना देते हैं, और इसकी जो विरंजन क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण के कारण होती है, इसलिए ये स्थायी होते हैं। तो जब भी किसी रंगीन पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है तो वह रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित होता है, पुनः इसका रंग वापस नहीं आता है, ये एक स्थायी प्रक्रिया होती है। तो ये किस प्रकार से नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं? क्लोरीन जल के साथ क्रिया करता है, तो यानी किसी भी पदार्थ का जब ये विरंजन करते हैं तो नमी की उपस्थिति में क्लोरीन क्रिया करते हैं। तो क्लोरीन प्लस H2O इज इक्वल टू 2HCl प्लस O, यानी नवजात ऑक्सीजन बना। ये जो नवजात ऑक्सीजन है वो रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है और उसे रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति हैं, फूल पत्तियां हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका विरंजन करने में क्लोरीन का उपयोग होता है, और इसके द्वारा जो विरंजन है बहुत ही स्थायी होता है। ये ऑक्सीकरण के द्वारा किसी भी पदार्थ का विरंजन करते हैं। क्लोरीन जब SO2 से रिएक्ट होते हैं, SO2 के साथ भी ये क्रिया करते हैं, तो SO2 के साथ क्रिया करके SO2Cl2 बनाते हैं। SO2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये COCl2 बनाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। जब कभी भी क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में क्रिया करते हैं तो ये नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो क्लोरीन की अमोनिया से क्रिया हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे कि जब अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है तो 8NH3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू NH4Cl, बैलेंस करते हैं तो 6NH4Cl प्लस N2 बनता है। अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बना, लेकिन यदि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तब यहाँ पर NCl3 बनता है। तो अमोनिया 3Cl2 इज इक्वल टू NCl3 प्लस 3HCl। तो इस प्रकार अमोनिया की दो प्रकार से रिएक्शन हमने, अमोनिया की क्लोरीन से दो प्रकार से अभिक्रिया देखी। एक बार क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है और एक बार अमोनिया की मात्रा अधिक है, तो जो बनने वाला यौगिक है वो भी अलग अलग बनता है। क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। जब चूने के पानी में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। 2CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। इसी प्रकार क्लोरीन जब क्षार से क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये दो प्रकार से रिएक्ट होते हैं, तनु एवं ठंडे NaOH के साथ जब ये रिएक्ट होते हैं तो NaOCl बनाते हैं, और जब गर्म और सांद्र NaOH के साथ रिएक्ट होते हैं तो सोडियम क्लोरेट NaClO3 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठंडे एवं तनु NaOH के साथ होने वाला रिएक्शन। 2NaOH प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl प्लस NaOCl प्लस 2H2O। तो NaOCl का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा हम देखेंगे NaOH जब सांद्र एवं गर्म हो तब क्लोरीन रिएक्ट होता है, तो 6NaOH प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। तो NaOH के साथ रिएक्ट होकर सोडियम क्लोरेट बनता है। क्लोरीन कार्बनिक यौगिकों से भी अलग अलग ढंग से क्रिया कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक में दो प्रकार के यदि लेंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो जब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करते हैं तो प्रतिस्थापन क्रिया कर पाते हैं और प्रतिस्थापन उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। जैसे मेथेन से जब क्लोरीन की क्रिया होती है एक निश्चित प्रकाश में, तो यहाँ पर CH3Cl बनता है, यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है और Cl वहाँ पर अटैच होता है, और जो हाइड्रोजन निकला है मेथेन से वो Cl के साथ रिएक्ट होकर HCl बनाते हैं। तो CH4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस HCl।
जब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसके साथ जब ये रिएक्ट होते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। तो जब ये एथिलीन से रिएक्ट होते हैं, C2H4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू C2H4Cl2, तो 1,2-dichloroethane बनता है। क्लोरीन के उपयोग के बारे में हम जानेंगे। क्लोरीन एक अच्छा विरंजक होता है। कागज की लुगदी उद्योग में इसका उपयोग होता है। कपास एवं वस्त्रों के विरंजन में इसका प्रयोग होता है। सोना एवं प्लेटिनम का निष्कर्षण यानी उसके धातु कर्म में भी इसका प्रयोग होता है। पीने के पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंजक यानी डाइज, औषधियों के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में क्लोरीन एक महत्वपूर्ण अणु की तरह कार्य करता है। कई विषैली गैसों के निर्माण में भी ये सहायक होता है। फॉस्जीन गैस COCl2, अश्रु गैस CCl3NO2, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है ClCH2CH2SCH2CH2Cl। हैलोजन परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसके बारे में हम जानेंगे। सन 1648 में जॉन रुडोल्फ ग्लोबर ने सबसे पहले साधारण नमक की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराई और गर्म किया तो HCl प्राप्त हुआ। और 1810 में डेवी ने ये बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये एक यौगिक होता है। इसे भी इन्होंने NaCl के साथ जब H2SO4 की क्रिया कराई गई तो HCl प्राप्त किया गया। NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस 4HCl। तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाईसल्फेट प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में भी इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो 420 केल्विन टेम्परेचर पर जब सोडियम क्लोराइड पर H2SO4 की क्रिया कराई गई तो NaHSO4 प्लस HCl बनता है, यानी NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस HCl। NaHSO4 पर फिर से NaCl की क्रिया कराई गई तो Na2SO4 प्लस HCl बनता है। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है। HCl गैस को जब बहुत अधिक सांद्र H2SO4 में प्रवाहित किया जाता है और H2SO4 में प्रवाहित करके इसे शुष्क किया जाता है, क्योंकि H2SO4 हाइग्रोस्कोपिक होता है, जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो HCl गैस में उपस्थित जो नमी होती है उसे ये अवशोषित कर लेते हैं और उसके द्वारा इसे शुष्क किया जाता है। लेकिन अन्य जो निर्जली कारक होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, इसके द्वारा HCl को शुष्क नहीं किया जा सकता है, क्योंकि HCl P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो जब HCl P2O5 के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। इस वजह से इन दोनों निर्जली कारक का प्रयोग HCl को शुष्क करने में नहीं किया जाता है। तो जब ये P2O5 से रिएक्ट होते हैं तो 10HCl प्लस P2O5 इज इक्वल टू 2PCl5 प्लस 5H2O। दूसरा, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट होते हैं तो 2HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2O। HCl के गुण। HCl एक रंगहीन और तीखे गंध वाली गैस होती है। 189 केल्विन टेम्परेचर पर HCl गैस द्रवीभूत हो जाती है और HCl लिक्विड में परिवर्तित होती है। और HCl द्रव रूप को जब 159 केल्विन पर और अधिक ठंडा किया जाता है तो HCl एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। HCl जल में विलेय होते हैं और इसका जो जलीय विलयन होता है इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखा होगा और कई प्रयोग भी आपने इससे किए होंगे। HCl एक प्रबल अम्ल होता है क्योंकि ये
हाइड्रोनियम आयन देते हैं और इसके लिए जो Ka का मान है बहुत अधिक होता है। तो जब HCl की जल से क्रिया होती है तो ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो HCl plus H2O is equal to H3O plus plus Cl minus, तो H3O plus यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना। जब इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ काउंट करते हैं या Ka की वैल्यू या अम्लीय स्थिरांक का मान यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर Ka बराबर होगा H3O, बड़ा ब्रैकेट लिखा है जो इसकी सक्रिय मात्रा को दर्शाता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि जो बनने वाला उत्पाद है उसकी जितनी भी मोलर सांद्रताएं हैं उसका गुणनफल, और जो अभिकारक है उसकी जितने भी अभिकारक हैं उन सभी के मोलर सांद्रताओं का गुणनफल, दोनों का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। तो Ka बराबर H3O प्लस और Cl माइनस, दोनों को बड़े ब्रैकेट में लिया गया, अपॉन HCl। तो HCl ही केवल लिया गया क्योंकि H2O यहाँ लिक्विड फॉर्म में है तो जल की सांद्रता को नगण्य माना गया है। तो इसके लिए दोनों अनुपात का मान इज इक्वल टू 10^7। तो ये एक प्रबल अम्ल होते हैं। HCl धातुओं के साथ एवं क्षार के साथ क्रिया करके क्लोराइड्स लवण बनाते हैं, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया करके, क्योंकि अम्ली नेचर के होते हैं तो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना पाते हैं। तो जब ये क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो अमोनिया के साथ, यदि हम इसकी क्रिया को जानेंगे तो अमोनिया के साथ HCl क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, और अमोनिया से जैसे ही क्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड के बनने के कारण श्वेत धूम्र उत्पन्न होती है, सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है NH4Cl के बनने के कारण। NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl। इसी प्रकार कुछ धातुएं हम देखेंगे, जैसे जिंक, जिंक के साथ क्रिया करके भी ये क्लोराइड बनाता है, जैसे जिंक प्लस 2HCl इज इक्वल टू Zn क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्षार से क्रिया करके भी ये क्लोराइड बनाते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो क्षार और धातु इन दोनों के साथ क्रिया करके ये क्लोराइड बनाते हैं। HCl लोहे से जब क्रिया करता है तो फेरिक से फेरस में उसे परिवर्तित करते हैं। तो जब HCl की आयरन से क्रिया होती है तो Fe plus 2HCl is equal to FeCl2 plus H2, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता है। ये जो हाइड्रोजन निकला है यही FeCl3 के बनने को रोकता है, तो आयरन के साथ ये रिएक्ट होने पर Fe3 plus की जगह पर Fe2 plus वाला यौगिक बनता है, फेरस क्लोराइड। कुछ जो अक्रिय धातुएं होती हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोना एवं प्लेटिनम, ये गर्म एवं सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल में नहीं घुलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें घोलने के लिए एक एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाया जाता है लैब में, HCl का होता है। एक्वारेजिया में 3 भाग सांद्र HCl का होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का होता है। इन दोनों के मिश्रण से जो क्लोरीन बनता है, नवजात क्लोरीन, वही इन धातुओं को घोलने का कारण बनता है। 3HCl plus HNO3 से जब क्रिया होती है, आपस में ये जब क्रिया करते हैं तो बनता है NOCl plus 2H2O plus Cl। तो ये जो Cl बना है, 2Cl बना है, ये नवजात Cl होता है, और यही अक्रिय धातुओं से क्रिया करता है, यानी गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, इनके साथ रिएक्ट होके क्लोराइड बनाते हैं। तो जब ये सोने और प्लेटिनम को घोलते हैं तो किस प्रकार से रिएक्शन होगा, तो गोल्ड यानी Au प्लस 6H+ प्लस NO3- माइनस प्लस 4Cl- माइनस इज इक्वल टू AuCl4- माइनस प्लस NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना और 2H2O। तो ये नवजात क्लोरीन बना है वही इन धातुओं को घोलकर उनके लवणों में परिवर्तित करते हैं। प्लेटिनम के साथ रिएक्शन होने पर 3Pt प्लस 16H+ प्लस 4NO3- माइनस प्लस 18Cl- माइनस इज इक्वल टू 3PtCl6 2- माइनस प्लस 4NO प्लस H2O। दोनों ही रिएक्शन में आप देखिए एक ही तरह से कॉमन रूप से एक ही तरह से जो यौगिक है वो बने नाइट्रिक ऑक्साइड एवं जल, लेकिन गोल्ड की स्थिति में AuCl4- माइनस बनाए और प्लेटिनम में PtCl6 2- माइनस बनता है।
HCl दुर्बल अम्लों के जो लवण होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, उनको भी विघटित कर देते हैं और लवण बना लेते हैं। जैसे जब ये सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होते हैं तो भी सोडियम क्लोराइड में अपघटित करते हैं, उसे सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। लेकिन सभी में अलग अलग तरह से अन्य जो सह उत्पाद है वो भी बनते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट पर जब HCl की क्रिया होती है तो बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 बना है यहाँ पर, और जल और NaCl कॉमन है। NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2। तो यहाँ पर चूंकि सल्फाइड है SO3 है, इसलिए यहाँ से SO2 बनता है। अब हम HCl के उपयोग के बारे में जानेंगे। HCl एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक यौगिक होता है, जिसका उपयोग क्लोरीन बनाने में, अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में और ग्लूकोज को बनाने में किया जाता है। ये जब NaOCl से रिएक्ट होते हैं तो क्लोरीन बनता है, इसी प्रकार अमोनिया से रिएक्ट होते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अस्थियों से ग्लू निकालने में इसका प्रयोग होता है, अस्थि कोयले के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग होता है, औषधियों के निर्माण में जैसे हाइड्रोमॉर्फोन, प्रोपॉक्सीफीन, हाइड्रोक्लोराइड, इसके निर्माण में इसका प्रयोग होता है, और ये बहुत अच्छा एक प्रयोगशाला अभिकर्मक होता है।